I'm sorry, this is actually bugging me a little bit. It's just that I'm having a really bad day.
then they're going to say you're nasty to everyone. It's okay. आप मुझसे जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, मुझे अपना पंचिंग कार्ड दीजिए, मेरे साथ जो करना चाहते हैं आप करिए, मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। मैं वेरी ओपन मैन हूँ, बहुत खुली सोच का आदमी। गुड टू नो दैट मिस्टर सर। इनफैक्ट आपका मूड सुधारने के लिए मेरे पास एक परफेक्ट चीज है। रियली? क्या? ये किताब। जी मैडम, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी कहानी है। Big things come in small packages. You know, Mr. Sajan, बचपन में जब मैं हाँ, एक लाइन और देता हूँ तुम उसके बाद सॉरी एक्शन। और मैडम, मैं इसमें से आपको ऊपर की एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपका मूड अच्छा होगा। सारे बचपन में जब मेरा मूड खराब हुआ करता था तो मामा मुझे ऐसी कहानियां सुनाकर मेरा दिल बहलाया करती थी। Why don't you be my mama, Mr. Sajan? मुझे कोई प्यारी सी कहानी सुना दीजिए। बिल्कुल। लेकिन मैडम क्या है कि इसमें जरा सा अटेंशन लगेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स कहानी है, कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है। नो प्रॉब्लम, आई एम ऑल इयर्स। ओके, तो ये कहानी हम शुरू की बहुत खूबसूरत शेर से। देखो मेरी आंखों में सब कुछ सच्चा लगेगा, जो कुछ मैं कहूँ तुमसे बस वही अच्छा लगेगा। नीचे मत देखो, मुझे देखो, आंखों में बल्कि मुझे कहो। ट्राई नहीं कर रहा संजय जी, बोलो बोलो। हाँ, एक सेकंड। कहाँ से ले रहे सर? हाँ, आई लव कंटिन्यू। ओके, कट। एक्शन, आप मुझे बहुत पसंद करती हैं, बेहद पसंद करती हैं। मेरी आंखों की, मेरी आवाज की दीवानी है आप। मेरी एक एक चीज पसंद है आपको। आप जब भी मुझे देखते हैं मेरी तरफ दौड़ के चले आती है और ठंडी ठंडी आहें भरती हैं। आपको मेरी आवाज सुने बिना नींद नहीं आती है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। One more, focus. Thanks, someone. Okay. You can blink if you want. आप बोलेंगे ये तो हिप्नोसिस की विद्या का अपमान होगा। नहीं, मैडम पे आजमाया।
इतने सारे माइक आज का सीन अभी शुरू हुआ है और बहुत ही मज़ेदार नोट पे शुरू हुआ है। एक छोटी सी किताब है जिससे बड़ा बवाल होने वाला है, वो है किताब हिप्नोटिज्म की, और वो मेरे दोस्त ने मुझे दिए खिलौनी, जो मेरा एक शैतान सा दोस्त है जो हर किसी आम आदमी का होता है, वो हमेशा मुझे आइडियाज़ देता है। तो उसने मुझे किताब दी है कि साजन तुम सीधी तरह से कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ये हिप्नोटिज्म की किताब लो, इससे तुम जिसको चाहे उसको हिप्नोटाइज कर सकते हो और अपने मन का जो काम करवाना चाहो करवा सकते हो। तो बस वो किताब लेकर के साजन अग्रवाल पहुंच गए ऑफिस और सीधे दाखिल हो गए मैडम के केबिन में, और जो हमेशा होता है कि मैडम अंदर होती है, इस बार वो पीछे खड़ी होती है, बाद में बाहर से मिल गई। तो वहीं सारा जो है आधा प्लान तो वहीं चौपट हो गया कि ये, फिर जैसे जैसे कहानी भूमिका बनाई है तो फाइनली वो हिप्नोटिज्म का जो मंत्र है, जो कहानी है, वो पढ़ दी है मैडम के सामने। लेकिन अभी ये पता नहीं चला है कि वाकई में वो हिप्नोटाइज हो गई है या नहीं हुई है, या अगर हो गई है तो उसके बाद में अगला कदम साजन अग्रवाल का क्या होगा, और अगर नहीं हुई है तो फिर वो दोबारा हिप्नोटाइज करने के लिए क्या करेगा। तो फिलहाल ऑफिस में तो साजन की ये सिचुएशन है। रही बात घर की, तो घर में भी वो कश्मीरा को हिप्नोटाइज करने की कोशिश तो पूरी करेगा अगर उसकी सास और साले से वो बच जाता है जैसे तैसे करके, और उनको तो मैं जंगल में छोड़ के आऊँगा हिप्नोटाइज करके सास और साले को। तो मेन ये है कि चलो बाकी कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर हो जाएगा उससे। छोटे पर्दे पे मतलब कैसे
छोटे पर्दे पे और बड़े पर्दे से उसका क्या लेना देना, मैं तो मोबाइल में हिप्नोटाइज करके दिखा सकता हूँ आपको तो लेकिन ये है कि वो फिल्म होती है, फिल्म की अलग कहानियाँ और चीज़ें होती हैं। टीवी में फिल्म इज़ लाइक अ नॉवेल, आप कभी भी पढ़िए मज़े कीजिए। टेलीविज़न इज़ लाइक अ न्यूज़पेपर, आप आज एक एपिसोड देखते हैं फ्रेश, अगले दिन दूसरा मिल जाता है, फिर उस कहानी को आप धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन हमारा ये हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे एपिसोड्स बनाएं, ऐसी चीज़ें करें कि जो लोगों के दिलों में घर कर जाएं। इसलिए अमूमन जो हमारी कहानियाँ होती हैं वो इर्द गिर्द होती हैं, एक आम इंसान से जुड़ी हुई होती हैं, वैसी सिचुएशंस होती हैं, वैसी चीज़ें होती हैं जिससे आदमी रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए। तो ये जो आइडियाज़ हैं, जैसे ये हिप्नोटिज्म की किताब का हो गया, तो कोई भी जो आम आदमी है वो एक बार को तो ये चीज़ सोचेगा कि यार काश ये चीज़ हो जाती है। इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल चल रहा है रियल लाइफ में हम देखें लोगों का कि हर चीज़ से, तो आदमी कहता है चल यार कुछ सुपर नेचुरल ही हो जाए, कुछ ऐसा ही हो जाए जिससे मैं एटलीस्ट मेरा भला तो हो। तो वो फिर लॉजिक में नहीं फंसता है इंसान, तो हंसी में लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको जहाँ तक मेन उद्देश्य होता है, आपके चेहरे पर स्माइल आ रही है, आप हंस रहे हैं, आपका खून बढ़ रहा है, बस वो होना चाहिए इसमें। फैंस के लिए कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच, कल मेरा बर्थडे था, मुझे बहुत विशेज़ मिली हैं मेरे सोशल साइट्स पे, और आप लोगों का इतना प्यार मिला है और इतनी जल्दी इस शो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने शो को ऑन एयर आए हैं और हमारा शो अवार्ड्स, गोल्ड अवार्ड्स के लिए बेस्ट शो में कॉमेडी में नॉमिनेटेड है, बेस्ट एक्टर कॉमेडी में।